हेलो फूडीज, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का विद स्वाति में। सो गाइस, किस किस को देसी स्टाइल में ढाबे पे खाना पसंद है? आई होप बहुत सारे लोगों को पसंद होगा देसी स्टाइल में ढाबे पे खाना खाना। तो ऐसे ही जायकों के खजानों में से ना एक खजाना हम आप सभी के लिए लेके आया, आप सभी के सामने। और हम आए हैं दिल्ली के पश्चिम विहार के एक एरिया में, ढाबा है जिसका नाम है शिव शंकर ढाबा, जहाँ पे इतना लजीज खाना मिलता है, इतना डिलीशियस खाना मिलता है कि एक बार आपने यहाँ का खाना खा लिया ना भाई साहब, आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, इनके ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कि भाई इनका खाना इतना बेहतरीन क्यों है और क्या डिफरेंट है इनके खाने में। इनके मिलेंगे इनके ऑनर से। सो आइए मेरे साथ। और ये है इनका शिव शंकर ढाबा, बिल्कुल देसी स्टाइल में है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसे फीलिंग है कि आप थोड़ा सा ना कहीं बाहर आ गए हो, तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली हो। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड है। तो अभी हम मिलते हैं इनके ऑनर से। तो गाइस, ये हैं यहाँ के करता धरता जिन्होंने शिव शंकर ढाबे की शुरुआत करी है। सो मिलते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष मुखिया जी। सो कैसे शुरुआत हुई इस ढाबे की? और इतना जो लजीज खाना है ना, मतलब क्या उसको इतना बेहतरीन बनाता है कि लोग भाई दूर दूर से आते हैं यहाँ पे? ये मेरी मेहनत है। अच्छा, मैं खुद का ओनर भी हूँ। हाँ, शेफ भी हूँ। अच्छा, अच्छा, शेफ भी आप हो और ओनर भी आप हो। चलो बढ़िया। ये सारा काम करता धरता मेरे अंदर ही रहता है। अच्छा, मैं खुद को ही सब्जी बनाता हूँ। अच्छा, सारा और कस्टमर तक सर्व करवाना मेरा ही काम है। अच्छा, बात कैसे भी शिव शंकर ढाबे की? यहाँ पे जैसे हुआ मैम कि मैं यहाँ पे काम करता था 2005 से। अच्छा, 2005 से करते करते फिर यहाँ के जो मालिक थे वो और शॉप ले लिए, वो यहाँ से खाली करके चले गए। अच्छा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कारीगर था और मैंने संभाली सब कुछ। अच्छा, मुझे इतना मालिक बनने का नॉलेज भी नहीं था। हाँ, बट अपने आप को फिर भी हमने कोशिश करके मेहनत करी, कोशिश करी और कस्टमर से अच्छा तक उनको सर्विस दी। अच्छा, कस्टमर को अच्छा लगा, दूर दूर से आते आज। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप बिहार से आए हैं, दिल्ली में आए, काम करा, मेहनत करी, सो आज इस लेवल पे पहुँचे हो। तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ के? टाइमिंग सुबह की जैसे कि 12 से 4 का होती है, डिनर शाम को 7 से 11 होता है। अच्छा, वो बीच में बंद हो जाता है? वो बीच में तैयारी तैयारी चल रही होती है डिनर की? 4 से 7 तक जो है तैयारी होती है। और जोमैटो स्विगी दोनों पे आप अवेलेबल हो? जोमैटो स्विगी दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा, दोनों का टाइमिंग से। और सर सिटिंग विटिंग भी है तो ये रात को 11 बजे तक होता है आपका? 11 बजे तक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो आप हमारे लिए भी यहाँ का कुछ समथिंग स्पेशल वाली डिशेज लगवा दीजिए, हम भी ट्राई करते हैं कि क्या क्या स्पेशल है। आप बताते हैं अपने स्पेशल, जैसे कढ़ाई पनीर खिलाते हैं, दाल मखनी स्पेशल खिलाते हैं, मिक्स वेज स्पेशल खिलाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। जीरा राइस है, वेज बिरयानी है। अरे वाह, इतनी सारी वैरायटी। तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिनर के साथ आपको इवन स्टार्टर्स भी मिल जाएंगे। टिक्काज है, चाप रोल है, तो बहुत सारी वैरायटी है। टिक्का भी है स्पेशल में, मलाई चाप स्पेशल, इतना कुछ है आपके पास। सो हम भी ट्राई करते हैं इनका खाना और आपको बताते हैं भाई इनके खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है। सो हम एक बार ऑर्डर लग जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी टेबल और अपने खाने पर। भाई हमने मंगवाया गर्मा गर्म ये मलाई चाप ऑर्डर करी है, साथ ही में हमने ऑर्डर करा है पनीर टिक्का, जो दिखने में ना इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना कि बस इनको देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का से। पहले ये पनीर टिक्का है, अच्छे से रोस्टेड है और ये देखिए वेजीज इन्होंने इतने अच्छे से डाली है ना, कोई कमी नहीं छोड़ी, कंजूसी कोई भी नहीं करी है इन्होंने, इतनी सारी वेजीज डाली है देखो। तो आइए ट्राई करते हैं, हम एक पीस लेते हैं पनीर का। जो चटपटा स्वाद आ रहा है ना, हल्का हल्का गरम मसाले का जो स्वाद आ रहा है इसमें, और जो बटर के साथ, मतलब जो बटर में डाल के इन्होंने वो जो मसाले के साथ मैरिनेशन करा है ना, मज़ा आ गया। मतलब सबसे अच्छी बात है जो पनीर है ना वो बहुत सॉफ्ट है, हल्का हल्का सा हल्का बाहर से क्रंच है, जो वो तंदूर में जब वो रोस्ट हो जाता है तो वो खा के बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी जो उनमें वेजीज डाली हुई है ना, जो मसाले डाले हुए हैं, अल्टीमेट है भाई सब, वो एकदम देसी ढाबा स्टाइल वो जो होता है ना मसाले। तो ये है हमारा मलाई चाप
तो ये देखिए कितना दिखने में ही कितना अमेजिंग और डिलीशियस लग रहा है, आप देख सकते हो। छोटे छोटे प्याज डाले हुए हैं इन्होंने और हरा धनिया डाला हुआ है, और अच्छे से इसमें जो क्रीम में मैरिनेशन करके जो उसको रखते हैं, जो क्रीम में जो प्रिपेयर होता है ये, तो ट्राई करते हैं। जैसे ही मैंने चाप का फर्स्ट बाइट लिया, उसको चाप को मुंह में डाला ना, चाप बहुत फ्रेश और बहुत ही सॉफ्ट लगी। साथ ही में जो इन्होंने अगेन जो मसाले यूज़ करे हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्रीम अच्छे से डाली हुई है, कोई मतलब वो नहीं है, कम है, ड्राई नहीं है। सबसे अच्छी बात है इस चाप की, ये ड्राई नहीं है। देखिए बिल्कुल दिखने में ही लग रहा है कि अच्छे से ना इन्होंने बटर और क्रीम डाल के इसको प्रिपेयर करा हुआ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। कि अगर आप इसको अगर सपोज़ चपाती के साथ भी खाते हो ना, तो काइंड ऑफ एक जैसे ड्राई वेजिटेबल होती है ना, वो है, तो देख सकते हो आप। और छोटे लच्छेदार प्याज भी डाले हुए हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टार्टर बहुत अच्छा है। तो आई होप इनका जो मेन कोर्स है ना, वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। हमने ऑर्डर दे दिया है, बस हमारा मेन कोर्स भी हमारे टेबल पे आ ही रहा है। सो देखते हैं अपने मेन कोर्स में क्या क्या आने वाला है। सो आप देख सकते हो मेरी टेबल ना बिल्कुल फुल है, मैंने इतना कुछ ऑर्डर करा है। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में, मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ियों में ऑर्डर करी है कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, और ये मैंने करी है मिक्स वेजिटेबल, और यहाँ पे मैंने पुलाव में इनकी मिक्स वेजिटेबल पुलाव ऑर्डर करे हैं। साथ ही में मैंने ना चार तरीके की ब्रेड्स, मीन्स चार तरीके की रोटी ऑर्डर करी है। ये इनका आलू नान है, ये इनकी बटर रोटी है, और ये है इनका लच्छा पराठा, और उधर है बटर नान। सो इतना कुछ ऑर्डर करा है कि आपको हम अच्छे से रिव्यू करके बता पाएँ कि यहाँ का खाना कैसा है। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं। इन्होंने इसमें कढ़ाई पनीर में प्याज और कैप्सिकम तो अच्छा से होता ही है, साथ ही में इन्होंने थोड़ा सा घी और क्रीम डाली हुई है, धनिया वनिया डाला हुआ है। दाल मखनी में भी यही है, ऊपर से थोड़ा सा क्रीम और बटर है और धनिया है, इससे खाने की प्रेजेंटेशन और बढ़ जाती है। और ये है हमारी मिक्स वेजिटेबल। मतलब मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जो ये खाना, जो सब्ज़ियाँ हैं ना, इसमें से एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और सबसे अच्छी बात खाने की ना रंगत बहुत अच्छी है। थोड़े से पुलाव भी ले लेते हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट बटर नान से शुरुआत करते हैं। इसमें जो इन्होंने मसाला डाला हुआ है ना, जो मसाला टमाटर प्याज का बनता है ना, खड़ा मसाला यूज़ करा हुआ है, अच्छे से पीसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बारीक बारीक छोटा टमाटर है, प्याज डला हुआ है, जैसे वो ढाबों में देसी स्टाइल में दाल मखनी बनती है ना, वैसा है। और जो क्रीम का अच्छे से फ्लेवर आ रहा है, दाल अच्छे से घुटी हुई है, बहुत अच्छी है। तो अब ट्राई करते हैं इनका पनीर। कढ़ाई पनीर भी बहुत डिलीशियस है, बहुत बढ़िया से बना हुआ है, पनीर भी अच्छा है। और ना मसाले बहुत सही डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद आपको जलन हो या हैवीनेस लगे, बहुत सही मात्रा में मसाले डले हुए हैं। और ये हम खाते हैं मिक्स वेजिटेबल, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है गाजर है, बीन्स है, और आलू है, मटर है, और इसमें गोभी है, छोटी छोटी कटी हुई है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डली हुई है। ऐसी अगर आपको रोटी के साथ ऐसा मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी खाने को मिल जाए ना भाई, तो मैं कहूँगी आप सबको ही भूल जाओगे, बहुत अच्छा टेस्ट है। सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से पकी हुई हैं, बहुत अच्छे से मसाले डले हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है जो ढाबों का जो खाना होता है ना,
वो एकदम से वो नहीं कि बहुत तड़कता भड़कता खाना हो, एक एक नॉर्मल जो एक टेस्ट होता है ना जिसमें इतना कुछ होता है ना और जो सब उस खाने को इतना डिलीशियस बना देता है ना वो है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना है। तो अभी हम उनके पुलाव भी ट्राई करते हैं जिसमें इन्होंने मटर है, टमाटर है, कैप्सिकम है, प्याज है, पनीर भी डाला हुआ है। सो आइए थोड़ा सा धनिया सूप जो सा हरा धनिया होता है। जो एक मिक्स पुलाव होते हैं ना वो टेस्ट है, ज़बरदस्त टेस्ट है पुलाव में। इतनी सारी वेजिटेबल्स डाली हुई है, पनीर डाला हुआ है, जीरे का तड़का लगा के जो मसाला वो जो सब्जियों को अच्छे से भुना है ना भाई साहब, मज़ा आ गया खा के। थोड़े से स्पाइसी हैं क्योंकि पुलाव में जब थोड़ा मसाला ना हो ना अच्छे से भाई साहब उसका खाने का मज़ा नहीं है। ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो एक बार हम ना कि आलू पराठा भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है ब्रेड्स की, पराठे हैं, लच्छा पराठे हैं। आलू पराठे के साथ तो और मज़ा आ गया। अगर आप यहाँ पर आते हैं आपको यहाँ पर इतनी वैरायटी मिलेगी ना खाने की, हर तरीके की सीजनल वेजिटेबल है और इतने स्टार्टर्स हैं, ब्रेड्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर कोई कमी नहीं रहने वाली, मतलब आप सोच के आओगे कुछ और आपको मिलेगा कुछ और, इतना बढ़िया स्वाद है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आई मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं किसी बाहर ढाबे में बैठी हूँ आउट ऑफ दिल्ली में। तो मुझे एक तो ठंड हो गई है, यहाँ पे बैठ के इतना ठंड वाला जो फीलिंग आ रही ना, मज़ा आ गया ढाबे स्टाइल खाना खा के। सो गाइस ये है शिव शंकर ढाबा, पश्चिम विहार में लोकेटेड है। इसकी हम एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप ही यहाँ पर आइए और इस खाने को इंजॉय करिए। और साथ ही में अगर आप अभी नहीं आ सकते तो ज़ोमैटो स्विगी से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ का आप यहाँ पर खाना आइए ट्राई करिए आपको अच्छा लगे, यहाँ पे इनके पास कैटरिंग सर्विस भी अवेलेबल है शादी पार्टी के लिए। अगर आपको उनका ऑर्डर देना हो तो ये वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत बढ़िया, अगर आपके घर पे गेस्ट भी आएंगे ना तो उनको भी डेफिनेटली अगर खाना बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ बहुत अच्छी है, रेट बहुत रीज़नेबल है, प्रेजेंटेशन खाने की बहुत अच्छा है, खाना में बहुत बेहतरीन टेस्ट है और जो रंगत है खाने की टेस्ट है मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है सर्विस बहुत फास्ट है, हमने ऑर्डर दिया था और इतना सब कुछ इतनी जल्दी रेडी होके आ गया। हर चीज़ ये बिल्कुल फ्रेश यूज़ करते हैं, कोई भी रखी हुई चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करी जाती है। सो आप आइए देसी ढाबा स्टाइल शुद्ध शाकाहारी खाने को एंजॉय करिए और बोलिए वाह क्या खाना है, ऐसे जैसे मैंने बोला है भाई, तो आपको ज़रूर ये खाना पसंद आएगा। सो गाइस हम ना हर चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, फ्रॉम अ रेस्टोरेंट टू देसी स्टाइल फूड भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। सो मेरे चैनल पर ना आपको हर कुछ देखने को मिलेगा। सो ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस और विद ये लाजवाब खाना तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आपके मुंह में पानी है और आप भी यहाँ पर ज़रूर आइए। सो गाइस ये वीडियो आप देखिए और इन्जॉय करिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।